नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात में लगातार कोविड 19 को लेकर ग्रामीणों में अफवाह फैलाई जा रही है कि वैक्सीन लगाने के बाद लोग बीमार हो रहे हैं। इस वजह से जिला प्रशासन को वैक्सीनेशन को लेकर कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके अलावा तमाम इलाकों के ग्राम प्रधान भी ग्रामीणों को समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। राजपुर ब्लॉक क्षेत्र के रमऊ गांव से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्राम प्रधान लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि कैसे ग्राम प्रधान वैक्सीन के बारे में ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों के चलते ग्रामीण कोरोना का टीका लगवाने से मना कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि कोविड 19 की वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। जिम्मेदार अधिकारीगण भी लगातार ग्रामीणों के बीच जाकर अपील कर रहे हैं कि कोरोना वायरस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। संदलपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत अधिकारी मनोज कुमार कनौजिया ने बताया कि ग्रामीणों के बीच कोविड 19 वैक्सीन को लेकर गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वैक्सीनेशन के लिए जिम्मेदार अधिकारीगण ग्रामीणों को काफ़ी मशक्कत से समझा बुझाकर वैक्सीनेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी मनोज कुमार ने। सर आपका क्या परिचय है? मैं मनोज कुमार कनौजिया, संदलपुर ब्लॉक में ग्राम विकास कार्य के पद पर कार्यरत हूँ। समय कोविड को लेकर अगर गांव पंचायत की बात की जाए तो किस तरीके की तैयारियां और क्या कुछ आप कैसे आप जनता को जागरूक कर रहे हैं? वर्तमान में सारे पंचायतों में रूटीन वाइज एक दिन में 3 या 4 पंचायतों में वैक्सीनेशन का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें हमारी मेडिकल टीम और हमारी पूरी राजस्व टीम और ग्राम विकास विभाग की पूरी टीम साथ में मिलकर और लोगों को जाके प्रेरित करते हैं, बुलाते हैं और उनको हर तरह से कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि वो आकर लगवाएं, और सभी के समर्थन और प्रयास से हम लोग इस चीज़ों को सफल बना रहे हैं, लोग वैक्सीन आके लगवा रहे हैं। लगातार खबरें निकल के पंचायत से सामने आ रही कि लोग वैक्सीनेशन का विरोध कर रहे हैं, वैक्सीनेशन लगवाने से जो व्यक्ति है या महिला है वो बीमार हो रहे हैं, इस तरीके की जो खबरें सामने आ रही, क्या कुछ आपका कहना है? इस तरह की कई सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं ग्रामीणों के अंदर कि हमें जानवरों की वैक्सीन लगाई जा रही है, तमाम सी चीज़ें हैं, कई सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी पोस्ट वायरल कर दी जाती हैं, उनको भी लेके भ्रामक तरीके से इनको बताया गया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो गांव में निगरानी समिति बनाई गई है उनके द्वारा हम लोग मीटिंग्स लेते हैं और गाँव के ऐसे बड़े बुजुर्ग जो वैक्सीन लगवा चुके हैं और जिनकी बातों को गाँव वाले महत्व देते हैं उनको बुलाते हैं, उनके द्वारा बताया जाता है कि हाँ हम लगवा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जब कन्विंस करते हैं और हम लोग सारे अधिकारी टीम जब वहाँ जाते हैं और बताते हैं तो उसका अच्छा परिणाम मिलता है हम लोगों को। सैनिटाइजेशन की बात की जाए तो आपके ब्लॉक में सैनिटाइजेशन क्या व्यवस्था है? सैनिटाइजेशन के लिए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से हम लोग को सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया था, जो समय समय हमारे सफाईकर्मी और जो ब्लॉक बड़ी मशीन रखी गई है उसके द्वारा सारे पंचायतों में आपके रूटीन वाइज उसको सैनिटाइज कराया जा रहा है।